अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो डेफिनेशन हम उर्दू में पढ़ेंगे वो है क्वालिटीज़ ऑफ साउंड, साउंड वेव की क्वालिटीज़। तो सबसे पहले चलें बात कर लेते हैं लाउडनेस। लाउडनेस किसी भी वेव, किसी भी साउंड वेव की क्या क्वालिटी या किस चीज़ पर डिपेंड करती है। लाउडनेस अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ, सिंपल लिखूँ, तो इस तरह से इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इनेबल्स अस टू loud and low noise। It depends upon amplitude। यानी कि किसी भी साउंड वेव का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी। यानी कि लाउडनेस जो है किसी भी साउंड वेव की टोटली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। और अब बात कर लेते हैं पिच की। पिच क्या चीज़ होती है? तो अब बात करते हैं पिच। पिच क्या चीज़ होती है? किसी भी साउंड वेव की पिच क्या होती है? पिच एक ऐसी क्वालिटी है जो दैट इनेबल्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन Differentiate between shrill and flat sound, shrill and a flat sound। अब ये पिच किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है साउंड वेव की? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा वेव, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेव की उतनी ही ज़्यादा पिच होगी साउंड वेव। यानी कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स बनेगी पर सेकंड उतनी ज़्यादा उसकी पिच हो जाएगी। तो ये हो गया पिच। अब हम बात करते हैं क्वालिटी या टिम्बर, किसी भी साउंड वेव की क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कोई भी सेम पिच या सेम लाउडनेस वाली साउंड को। क्वालिटी इज़ प्रॉपर्टी कह लें ऑफ अ वेव through which we can distinguish between sounds of same loudness या फिर same pitch। सेम पिच या सेम लाउडनेस की साउंड हो सकती है बट क्वालिटी हमेशा डिफरेंट हो सकती है। क्वालिटी हमेशा डिफरेंट होगी। वो किस तरह? कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है गिटार और दूसरा कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो दोनों की साउंड में डिफरेंस होगा। हो सकता है दोनों की पिच और लाउडनेस सेम हो बट जो दोनों की क्वालिटी में फ़र्क होगा। क्वालिटी, इसको हम टिम्बर भी कहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने क्वालिटी ऑफ साउंड, उसके टिम्बर, उसकी लाउडनेस और पिच के ऊपर बात की। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।